নির্ধারিত সময় মেনেই বুধবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হল। অধিবেশনের শুরুতেই উদ্বোধনী ভাষণে নতুন রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর দেশের অমৃত কা আজাদী মহোৎসব থেকে G20 সম্মেলন নিয়েও বিশেষ বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। आदरणीय सभी सम्मानीय वरिष्ठ सांसदगण, सबसे पहले मैं आदरणीय सभापति जी को आपको इस सदन की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक सामान्य परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान पर प्राप्त पहुंचे हैं वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का कारण है। इस उच्च सदन में इस गरिमामय आसन को आप सुशोभित कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि किठाना के लाल उनकी जो उपलब्धियां लोग देश देख रहा है तो देश की खुशी का ठिकाना नहीं है। संसद का ये उच्च सदन एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है।